नमस्ते फ्रेंड्स। और आज जो है मैं ये दिल्ली आई हूँ, जैसा आप सबको पता है। तो आज का जो प्लानिंग है हम लोग का जो है अक्षरधाम टेंपल दिल्ली में जो है, तो उसका जो है कुछ व्यू आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए बड़ू शुरू करते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग तैयार होकर के और बाई कार हम लोग गए, और यहाँ पे मेरी सिस्टर इन लॉ थी छोटी वाली, उसके बच्चे थे, वो भी लोग आए हुए थे, और साथ में ही हम लोग गए और जो ये अक्षरधाम टेंपल के लिए। आप चाहें तो ये मेट्रो से भी जा सकते हैं और ट्रेन से भी जा सकते हैं, यहाँ पे जैसी आपकी जो सुविधा हो उस हिसाब से आप वहाँ अक्षरधाम के लिए जा सकते हैं। तो ये मयूर विहार के सामने ही पड़ता है अक्षरधाम जो है टेंपल, और हम लोग को घर से जो है आधे घंटे की दूरी पे था, और ये नोएडा में ही पड़ता है। तो थोड़ी ही देर बाद हम लोग जो है ये अक्षरधाम टेंपल पहुंच गए, और वहाँ पे आप देख सकते हैं कि यही है ये अक्षरधाम टेंपल। तो ये अक्षरधाम टेंपल क्यों प्रसिद्ध है? ये जो है स्वामी नारायण का जो थे, उन्होंने ही यहाँ पे ये यहाँ पे अपने अनुयायियों को शिक्षा दीक्षा दी थी, और इनका जो जन्म है वो अयोध्या के छपिया गांव में हुआ था, और इन्होंने बचपन से ही बहुत ही ख्याति प्राप्त की थी, और कई शहरों से गुजरते हुए ये गुजरात चले गए और वहाँ से अपने संप्रदायों को जोड़ना शुरू किया। और ये स्वामी नारायण जो हैं वो रामानंद के बहुत ही ये परम भक्त थे, और उन्होंने स्वामी नारायण से मिल करके और अपने जो संप्रदाय हैं उनको काफ़ी ये ख्याति प्राप्त की। तो यहाँ पे अक्षरधाम पे ही उन्होंने एक मंदिर के निर्माण की और अपने संस्था का निर्माण किया, और इनको भी जो है हिंदू धर्म का जो है संस्थापक माना जाता है। और जब वो बचपन में ही थे तभी उन्होंने ये कई कुरीतियों को जो है वो ख़त्म किए, और जैसे सती प्रथा हो गया, बाकी चीज़ें जो हो गई, और हिंदुओं के प्रति जो भी और जो संस्कृति थी उनको भी उन्होंने काफ़ी अंधविश्वासों को ख़त्म किया। तो यहाँ पे जो है उनका बहुत ही सुंदर और आकर्षक प्रतिमाएं भी हैं मंदिर में, अभी मैं आपको मंदिर दिखाऊंगी। और यहाँ जाने के लिए आपको सारी चीज़ों जो भी बैग वगैरह आप ले जाते हैं तो वो जमा हो जाता है, और जो भी फ़ोन वगैरह भी हैं वो भी जमा हो जाते हैं। तो ये मैंने कुछ कैप्चर किया है, ये बाहर से है ये स्वामी नारायण का मंदिर, और आप देख सकते हैं ये सीढ़ियों से गुजर करके जाना पड़ता है, और ये है स्वामी नारायण आए और उनके अगल बगल जो है उनके अनुयायी हैं, और इस तरह से है। वहाँ की नक्काशी वगैरह बहुत ही सुंदर है, आप देख सकते हैं इस तरह से है ये, और बहुत ही सुंदर ये मंदिर बना है। और ये नाइट का है, अगर आप रात में जाते हैं तो इस तरह से जो है आपको अक्षरधाम का जो टेंपल है देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो है कुछ वाटर शो चलता है जहाँ पे स्वामी नारायण का जो है जीवन को दर्शाया जाता है, और आधे घंटे का ये शो है, तो बहुत ही सुंदर है। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए इस तरह के कॉन्टेंट को देखने के लिए। तो जब भी आप दिल्ली आइए ज़रूर ये अक्षरधाम टेम्पल जाइए। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में।